आप लोगों को लगता है ना कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस आप लोग फिक्र ना करें। तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम वहां जाओगी और वो तुम्हारी बात सुन लेगा और वापस से राबिया को पढ़ाना शुरू कर देगा। तुम रहने दो, तुम बस, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब क्या हुआ है तुम्हें? मामा मैं तंग आ गई हूँ इस घर की रोज रोज की ड्रामेबाजी से। अल्लाह अल्लाह करके मैंने पढ़ना शुरू किया था, अच्छा एक ट्यूटर मिला था, उसको भी इन लोगों ने लड़के भगा दिया है। आपने इस घर में शादी क्यों की? आपने शादी की क्यों? हम यहाँ नहीं होते तो कम से कम अपनी मर्जी की जिंदगी तो जीते हम। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो सोचती हूँ तुम्हारे लिए वो हमेशा उलट ही होता है। भाई फसी साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए था शाहनवाज सर के साथ। मैं तो खुद सकते में चली गई थी। तुम देखना ये सारी खिचड़ी नूर की है, शादी करती माँ से चली जाती तो घर में सुकून होता। अभी तो तुम देखो आगे आगे हमें क्या देखने को मिलता है। मुझे अब कुछ नहीं देखना, मैं बहुत हो गई ये ड्रामेबाजी। मुझे तो इस चीज की टेंशन है कि एग्जाम सर पे खड़े हैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। एडमिशन के पैसे अलग जाया होंगे और मेरा पूरा साल अलग जाया होगा। एक सेकेंड, फसी ने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, एहसान तो उस बेचारे शाहनवाज ने किया तुम पे और फसी पे। वो बेचारा मुरव्वत में कोई पैसे भी नहीं ले रहा था, एक तो एहसान किया ऊपर से बेइज्जती भी करवाई। तो नहीं आएंगे वो पलट के इस घर में कभी वापस? नहीं, आप ही वो आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, जैसे वो तो बेवकूफ है ना, एक दफा बेइज्जती करवाई है वो फिर वापस आएगा मजीद बेइज्जती करवाने के लिए। तुम रहने दो, जिस तरह तुम्हारे बाबा तुम्हारी फूफी की बात में आकर उसकी पिटाई की है और बेइज्जती की है। आप लोगों को लगता है ना कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस आप लोग फिक्र ना करें। तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम वहां जाओगी और वो तुम्हारी बात सुन लेगा और वापस से राबिया को पढ़ाना शुरू कर देगा। तुम रहने दो, तुम बस, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। राबिया इसकी बातों में ना आओ, मैं कोई बंदोबस्त करूंगी खुद, कोई ट्यूशन टीचर का। ऐसे तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगी, फिर मुझे सब नालायक बोलते हैं, समझ भी नहीं आ रहा मुझे कुछ।